नमस्कार, आप देख रहे दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला संवाददाता वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, राम किशुन यादव जो रेल कर्मचारी रहे हैं, रेलवे की उन्होंने सेवा की है। नगर परिषद झाझा के वार्ड संख्या 9 सोजाना से अपना भाग्य चुनावी मैदान में आजमाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, हर हाल में हमको जल नल जो हमारे वार्ड में फेल है उसको दुरुस्त करेंगे यदि हम वार्ड पार्षद यहाँ के बन जाते हैं। तो देखिए हमारी खास मुलाकात राम किशुन यादव के साथ। हमारे साथ राम किशुन यादव जुड़ रहे हैं जो वार्ड संख्या 9 के भावी प्रत्याशी हैं वार्ड परिषद उम्मीदवार के रूप में। क्या अपना पूरा परिचय दीजिए आप पहले। मेरा नाम राम किशुन यादव है, 9 नंबर वार्ड से प्रत्याशी हूँ। राम किशुन जी, वार्ड में बहुत सारे विकास के काम ठप रहते हैं, अगर आप वार्ड पार्षद बनते हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम जल नल योजना को ठीक करवाएंगे, जो आज दुर्गा पूजा पहले से बंद पड़ा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात है जो राशन कार्ड गरीबों को राशन मिलते हुए भी नहीं मिल पाता है, वृद्धा पेंशन में भी गड़बड़ी है जो बहुत से लोगों को नहीं मिल रहा है, इस सब को देखेंगे। जी जी, आइए जो नाला बना है देखिए सर, कि नाला किस हालत में है। रोड से 1.5 फीट ऊंचा नाला है, तो गाड़ी को साइड लेने का जगह नहीं है। बहुत सारी समस्या हमारे यहाँ, कोई ये शादी विवाह का जब होता है तो बराती रखने के लिए कोई जगह नहीं है, उसके लिए भी विवाह भवन वो होना चाहिए। अच्छा अच्छा, क्या सोचकर आप मैदान में आ रहे हैं, आप क्या करते हैं? हम रेलवे से रिटायर किए 2021 में। अच्छा, और हमको पैसा कमाने के लिए नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। अब थोड़ा दिन 2-4-10 बरस हम सोच रहे कि जनता को सेवा करें। बहुत अच्छी बात। किस पद से रिटायर किए हैं आप? हम 4th क्लास से रिटायर किए हैं। तो आपने ये सोचकर मैदान में अपना भाग्य आजमाने का फैसला किया कि हम जनता को कुछ दे सकें। दे सकें, बहुत अच्छी बात है।